हेलो जी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अज़ान के लिए। अज़ान साहब जो है ना हमारे, उनको रात बिरात में अक्सर क्रेविंग्स होती हैं मीठा खाने की, तो घर में और कुछ भी नहीं था सिवाय सूजी के। तो मैंने कहा चलो सूजी का हलवा बना लेते हैं अज़ान भाई के लिए। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बिल्कुल बना रही हूँ, आधी से भी कम प्याली का सूजी का हलवा, और बस जल्दी से बन जाएगा और मीठे की जो क्रेविंग है ना अज़ान भाई की, वो भी सही हो जाएगी, उसको भी शांति मिल जाएगी थोड़ी, हम भी चख लेंगे थोड़ा। तो यहाँ पर हो रहा है 11 बज रहे रात के, और हमारे लिए तो ये रात ही हो जाती है तकरीबन, क्योंकि हम लोग जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। 6 बजे उठ रहे हैं, आजकल सर्दी है ना तो जल्दी 6 बजे उठ जाते हैं, और जब गर्मियाँ होती हैं तो फजर जल्दी होती है, तो मैं फिर 5:45 ऐसे उठती हूँ। आजकल मैं 6:15 बजे भी उठ जाती हूँ कभी कभी, कभी कभी सर्दी लगती है ना, दिल नहीं चाहता उठने का, तो 6:15 हो जाते हैं, अलार्म बजता रहता है और मैं अलार्म को ना वो करती रहती हूँ, 5 मिनट के उस पर टाइमर पर लगाती रहती हूँ, और वो बजता रहता है, सुबह का उठना ही पड़ता है। थैंक यू सो मच पीने के लिए, हलवे में डालने के लिए। मैंने निकाल लिया चीनी, चीनी मैंने बिल्कुल इक्वल ली है, जितनी सूजी लेती हूँ ना मैं उतनी चीनी लेती हूँ। जो है ना चीनी ज्यादा खाना पसंद करते हैं, जैसे कि मेरे इन लॉज में वो लोग मीठा बहुत ज्यादा तेज खाते हैं, तो वो लोग डबल डालते हैं। जैसे कि अगर एक प्याली सूजी ली ना तो कम अज कम 1.5 या 2 प्याली उसमें चीनी ऐड करेंगे, जो कि उनके लिए उनको पसंद है ज्यादा तेज मीठा खाना, लेकिन मैं इतना ज्यादा नहीं डालती, मुझे ज़्यादा ना मीठा फिर ऐसा लगता है मुझे मतली सी होने लगती है ज़्यादा तेज़ मीठा खाने से। हाँ क्वांटिटी बढ़ा लो, मेरा मानना ऐसा है कि आप क्वांटिटी बढ़ा लो खाने की, लेकिन तेज़ मीठा खाने से फिर आप ज़रा सा ही खा पाओ, मैं खा पाती हूँ, ज़्यादा नहीं खिलाया आता फिर, क्योंकि ना मुझे फिर अजीब सी मेरा दिल जी मतलाने लग जाता है तेज़ मीठी चीज़ खाने से। मिठाई भी मैं बस एक आध बाइट ले सकती हूँ, जैसे कि एक गुलाब जामुन खा लिया या एक कोई पीस खा लिया मिठाई का, दूसरा नहीं खाया जाता क्योंकि फिर मुझे मतली होने लगती है, मिठाई इतनी मीठी होती है ना। हाँ अगर नॉर्मल मीठा होगा ना उसमें तो फिर खा लूँगी। तो यहाँ पर हमारी सूजी भून रही है और साथ साथ मेरी बातें भी चल रही हैं, और इसके अलावा जो है ना आप मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे आजकल, और ना तो मेरी वीडियोज़ को फुल वॉच कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करते यार, प्लीज़ नीचे कमेंट भी दे दिया करें, और साथ साथ जो है ना मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, उससे वीडियो की रीच बढ़ती है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उससे मुझे भी प्रॉफिट होगा। यहाँ पर सूजी भून रही है और इसका कलर भी चेंज हो गया, लेकिन अभी अजान आए थे ना तो वो बोल के गए थे कि मम्मा थोड़ा डार्क कलर का बनाना, ब्राउन बनाइएगा आप ना, वाइट बना देती हैं, तो मैं थोड़ा ज़्यादा इसको भूनूंगी ताकि इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाए, बिल्कुल ब्राउन की तरफ नहीं ले जाऊँगी, लेकिन गोल्डन ब्राउन का शेड देंगे ताकि थोड़ा सा ना इसमें कलर जितना डार्क आता है ना उसका फ्लेवर और डिफरेंट सा हो जाता है, और अगर वाइट वाइट रखेंगे तो उसका फ्लेवर अलग आएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर मज़ीद भूनूंगी और उसके बाद चीनी और पानी डाल के पकाएंगे, चुन्ना मुन्ना सा हलवा रेडी हो जाएगा हमारा, एक प्लेट बनेगा बस ये, सब एक एक बाइट ले लेंगे और फिर सो जाएंगे। खाने में आज हमने दाल चावल ही खाए थे, वो दोपहर वाले मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, मैं चली गई थी मामू के घर पर, वहाँ पर उनकी बेटी से मिलने हैं जिनकी शादी होने वाली है, ब्राइड टू बी हैं वो, और उन्हें मुबारकबाद देने, उनकी चीज़ें वगैरह देखने, उनके कपड़े वगैरह, उनकी शॉपिंग वगैरह देखने चले गए थे। बड़ा मज़ा आता है ना ऐसी चीज़ें देखने में, शॉपिंग हो, शादी की शॉपिंग हो, जहेज़ का सामान हो, बड़ा मज़ा आता है देखने में, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। पैकिंग वगैरह कर रहे थे वो लोग, मैं इसमें डाल दूँगी पानी, चीनी भी साथ के साथ ही डाल देंगे, जल्दी बन जाएगा। अच्छे से पकाएंगे इसको जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता, पानी डालने की वजह ये है कि सूजी अच्छे से फूल जाती है और सॉफ्ट सा हलवा बन जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा डाल दिया मैंने पानी, खैर मैंने आज तेज़ कर दिया इसमें, जल्दी से ड्राई हो जाएगा ये। तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक होना शुरू हो गया है, ये ना वो छोड़ नहीं देता चारों तरफ से, इसको जब तक पकाना है उसके बाद चूल्हा बंद कर देना है और प्लेट भी निकाल के दिखाएंगे। हलवा बिल्कुल रेडी है बेटा, हॉट हो रहा है, आपका हाथ जल जाएगा, हटिए डिश आउट कर लूँ मैं, अच्छे से थोड़ा ठंडा हो गया तो खाएंगे। चले इसको प्लेट में निकाल,
यहाँ पर गर्मा गर्म हमारा सूजी का हलवा रेडी है बिल्कुल। नहीं अजान, बहुत गर्म है। Assalamualaikum, this is Sadia Irfan. Welcome back to another vlog. I hope कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल खराफियत से होंगे। तो मैं वेलकम करती हूँ आपको एक न्यू व्लॉग में, एक नए दिन के साथ और अच्छी सी एनर्जी के साथ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, बच्चे चले गए थे मदरसे वाले मदरसे और मैं सो गई थी क्योंकि अफ़ान आयशा भी सो रहे थे। और आज इतना अच्छा ये मसला हुआ है ना, मसला तो नहीं है, खुशी की बात है कि आज बच्चे सो रहे थे, काफ़ी लेट उठे, वरना मेरे बच्चे ना छुट्टी वाले दिन और भी जल्दी उठ जाते हैं और उठते ही नाश्ता करते हैं, तो मैं तो सो ही नहीं पाती ना, कोई मैं मोबाइल पे जो है ना वीडियो वगैरह एडिट कर लेती हूँ सुबह में, वो भी नहीं हो पाता क्योंकि वो फ़ोन ले लेते हैं मुझसे कार्टून वगैरह देखने के लिए। तो हर घर में हर माओं का यही मसला होता है कि उनके बच्चे ना फ़ोन ले लेते हैं। खैर अभी इनको मैंने बुलबुले लगा के दिया है टीवी में और मैं निकाल रही हूँ चाय, बच्चों के लिए रस मंगाए वो खाएंगे, पराठा रखा हुआ है सुबह का वो खाएंगे और मैं चाय पीऊँगी। तो नाश्ता वाश्ता करते हैं और उसके बाद सारी बातें करते हैं। आवाज़ तो कम कर लो भाई। चाय यहाँ पर हमारी रेडी हो गई, चाय मैंने थोड़ी देर पहले ही बना के रख ली थी बच्चों के लिए और इसमें उबाल भी आ गया, इसको बंद करते हैं और चाय निकालती हूँ। और अफ़ान साहब हमेशा की तरह रो रहे हैं क्योंकि इनका रोना बंद नहीं होता कभी भी। चलो नाश्ता करें बेटा, नाश्ता निकाल लिया बेटा। चलो नाश्ता करते हैं उसके बाद घर भर समेटूंगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और हम सो रहे थे ना, तो जिस दिन दोपहर सुबह में सोने में आ जाता है तो फिर घर के कामों के लिए थोड़ा लेट हो जाता है। और अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी हो रहे हैं 11:30 और 11:30 बजे तक तो मेरे तकरीबन काम भी हो जाते हैं, तो बस नाश्ता करते हैं और फिर घर के काम वाम करते हैं। पीछे बहुत सारे पिजन्स बैठे हुए दिखाते हैं। फान साहब जा रहे हैं मदरसे, स्लीपर कहाँ से? आयशा पे आ रही ना बाया पहन के, तुम्हें कौन पता है? सलाम करो। तो बच्चे चले गए मदरसे और मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ और ये वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कल एक नए व्लॉग के साथ 6:00 PM, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना तो फिर लाइक का बटन दबाना तो बनता ही है, जल्दी से लाइक करें वीडियो। और मिलती हूँ कल आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।